स्टूडेंट, कैसे हैं आप? इस सेकंड क्लास में हम आज के दिन हाँ ओ के अभ्यास स्टार्ट किए थे। उस ओ के अभ्यास के आगे बढ़े आज के दिन मात्रा लगाकर शब्दों किसी तरह और अक्षरों किसी तरह उच्चार होते हैं, किसी तरह मात्रा लगाते हैं, उसके बारे में आज के दिन देखेंगे। लास्ट क्लास में हम ओ स्वर से बने वाक्य पर देखे हुए थे। आज के दिन थोड़े से थोड़ा उस पर देखकर आगे बढ़ेंगे। प्रथम गणों क्लास ओ की अभ्यास देखिए। ए है ओ की मात्रा, इसे हम ओ की मात्रा कहते हैं। दिस साइड है ना, उसको ओ की मात्रा कहते हैं। व्यंजन के आगे लगाकर इसी तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिर एक बार ओ स्वर से बने वाक्य। गोपाल पोती पर अब सोच मत, पोती पढ़ कर भोजन कर, फिर कोने में सो जा। छोकरों ने होली के दिन धोती पहनी, सोपा ने भी टोपी पहनी। यहाँ पर इसका अर्थ है, गोपाल नीनू ग्रंथवन्न ಓದು, ಓದಿದ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಓದಿದ ನಂತರ ನೀನು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡು, ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೀದಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗು, ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಹೋಳಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಧೋತಿಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧೋತ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಧೋತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದ್ರದು ಉಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಪಾನನು ಟೋಪಿ ಅಂದರೆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ. ಮಾತ್ರ ಓ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕಿಸಿ ತರಹ ಲಗಾತೆ ಹೇ ದೇಖೆ. ಕ ಕೆ ಸಬ್ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರವು ಹಾಗೆ इस मात्रा लगाने के बाद शब्दों के क्या उच्चार होते हैं? क को इस मात्रा लगाए हैं, क्या हुआ? खो हुआ है। सब अक्षरों को खो, घो, घो, छो, छो, जो, झो, ठो, ठो, डो, ढो, नो, थो, थो, धो, धो, नो, फो, फो, बो, बो, ऐं, मो, यो, रो, लो, ओ, शो, शो, सो, हो। सब उच्चारण ओ के साथ जुड़े रहता है। यहाँ पर मात्रा ओ की मात्रा से बने शब्द किसी तरह है? शब्द बने हैं। हाँ देखिए ऊपर को है, को से कोट, कोठा, खोल, गोल, घोड़ा, चोट, छोटा, फैला, भैल, मैदा, बैठ, ढोलक, तोड़ा, शैला, पैसा, पैदा, बैठक, पोल, पोषक, शैल, पैसा, पैदा, बैठक, मोटा, रोना, लोटा, सोच, टोपी, कटोरी, करोड़। इसी तरह शब्द भी बन सकते हैं। देखिए आज के दिन हम इतना ही अभ्यास करना है। अक्षरों किसी तरह मात्रा लगाते हैं और शब्द किसी तरह बनते हैं। यहाँ पर देखें शब्द किसी तरह बनते हैं और मात्रा किसी तरह लगाते हैं, उस अक्षरों के उच्चार किसी तरह होते हैं। यहाँ पर आप अच्छी तरह लिखना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। आज के दिन आप इतना ही बस, इस दोनों को आप याद करिए, मात्रा किसी तरह लगाते हैं और किसी तरह शब्द बनते हैं। नोड़ी नहीं इवती दिवस इष्टन याड़ो अभ्यासवी ना मात्र यहाँ रीति हच्चित्र शब्द अक्षर अर्थ यहाँ रीति आगते शब्द यहाँ रीति ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಾಕು. ಆಜ್ಕೆ ದಿನ್ ನೈಬಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.